वेलकम टू रोस्ट एंड रिएक्ट। दोस्तों, कुत्तों को पूछ हिलाने से, सुअर को गू खाने से कोई रोक नहीं सकता है। बात बुरी लगेगी पर ये उनका नेचर है, उनकी ये ही हकीकत है। पर हम इंसान हैं, पर कुछ लोगों में ये भी गुण है। वैसे तो हम बड़े दिमाग वाले और अपने आप को सुपर पावर की रेस में गिनाते हैं, बड़ी से बड़ी बहसबाजी करते नहीं थकते हैं। पर माफ करिएगा, हम वैसे नहीं है जैसा हम बोलते हैं। चाहे हमारे प्रधानमंत्री भी लाल किले से चिल्ला चिल्ला के बोले, हमें गुलामी वाली मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। लोग को हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसको इग्नोर करना पड़ेगा, पर गुलामी हमारे खून में चली गई है। चाहे आपको मेरी बातें कड़वी लगे, आप मुझ पर भड़क जाओ, पर आप सच्चाई से कब तक मुंह छुपाओगे? जब पानी सर से ऊपर जाएगा या पहले ही सचेत हो जाओगे? खैर, ये आपकी मर्जी है। आप क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं और क्या देखते हैं, इसमें मैं आपको रोक नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं आपको उनकी सच्चाई जरूर बता सकता हूँ। मैंने इससे पहले इनको एक्सपोज किया था, रंगे हाथों पकड़ा था। तब मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, लाइव भी सेशन किया था। पर जैसे कि आपको पता है, मेरी ऑडियंस कम है। अभी मैंने इस वीडियो पर लाइव सेशन किया था, जिसका रेस्पॉन्स भी खास नहीं रहा। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको शेयर करोगे। इस वीडियो में यह खासतौर से दिख रहे हैं, धर्म परिवर्तन के बारे में खुलेआम बोल रहे हैं, जो कि कानून का उल्लंघन है। और यह पूरी तरह स्क्रिप्टेड वीडियो बना रहे हैं, यह साफ तौर से दिख रहा है, तो भी हम इनको देखते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ और करते रहूंगा। आइए देखें रोस्ट एंड रिएक्ट। के वहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा है, तो हम अगर ये कहें कि सिर्फ दुबई एक मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। मंदिर तो पाकिस्तान में भी बना हुआ, हालांकि ये भी तो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना था, तो अगर मंदिर यहाँ पे बन सकता है तो मंदिर वहाँ पे भी बन सकता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो लोग बना रहे हैं तो हमें कोई इसमें फसाद या कुछ ऐसी चीज़ नहीं ऐड करनी चाहिए, ना ही हमारे कोई मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि इस तरह की बात करते हैं कि इनको यानी कि यहाँ से भगाओ और इस तरह की बात करते हैं। नहीं कहना चाहिए और अपने पे खुद पे फोकस करना चाहिए। पहले अगर हम खुद को ठीक करते हैं, अपने मज़हब को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो हमें दूसरों पे उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारे इस्लाम में भी यही चीज़ ही है कि अगर आप किसी को अपने यानी कि कन्वर्ट करना चाह रहे हो इस्लाम में, तो आप उन्हें प्यार से दावत दे सकते हैं। कहाँ पे थे? बस ठीक, एंड कर दो आप। नहीं ना, बोलना पांच। और मैं कहाँ पे था कि अगर इस्लाम में भी इजाज़त दी गई है, अगर देखा जाए ना, मंदिर जो सऊदी अरब माना जाकर मंदिर नहीं, मस्जिद ही बंद है। चलो चलो, हाँ। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि सिर्फ हम ये चीज़ तो हमें फटाफट से हम लोग गौर करने लग गए कि वहाँ पे मंदिर बन रहा है, तो वहाँ पे मस्जिदें भी तो हैं। अब हिंदू कम्युनिटी ये थोड़ी कह रही है कि अब मस्जिदें गिराओ, उसके ऊपर मस्जिद बनाओ या उसके ऊपर मंदिर बनाओ। तो वो एक अपना अगर सेपरेटली वो बनाने लगे हैं या बना रहे हैं, तो हो सके सुधर जाओ, नहीं तो फिर गुजर जाओ। अब इस पर क्या करूं, इतनी सारी वीडियो बनाई है, लोगों को अवेयर किया है, पूरा लिबर्टी मार्केट को साफ कर दिया है, फिर भी लोग समझते नहीं है। ये वीडियो अभी भी चल रही है, पर हमारे लोग गुलामों की तरह उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपनी प्रशंसा दूसरों से सुनने की आदत है। हम पड़ोसियों से जलेसी करते हैं, पर आदत है कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये देखना चाहते हैं। चाहे साफ नजर आ रहा है कि ये स्क्रिप्टेड है। आप जब होटलों में जाते हो, वहाँ साफ सफाई ना हो, मक्खियाँ हो, बदबू आ रही हो, तो क्या आप वहाँ कुछ खाओगे? अगर हाँ, तो मुबारक हो, आप अमन के आशा के सच्चे हो। आप तो गू भी खा सकते हो, अगर नहीं खाओगे तो आपसे अपेक्षा की जा सकती है। आप लोगों को इसके बारे में बता के सावधान करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हमें इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, और पाकिस्तान कभी भी सुधर जाएगा या सुधरने की कोशिश करेगा, आप लोग भूल जाइए। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।